Hey friends, welcome back to my channel. तो friends, finally देखिए हमारे moss rose आ चुके हैं. देखिए कितने बड़े साइज है और इनका पिगमेंट भी देखिए कितना प्यारा है. मैजेंडा पिंक के अंदर है ये. और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा गार्डन का अपडेट, टेरेस गार्डन का. तो अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है फ्रेंड्स, धूप बहुत है, उस वजह से प्लांट्स थोड़े अभी ठीक से नहीं कर पा रहे. तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि इधर ऊपर ऐसे ग्रीन नेट डाल दूंगा ताकि इनको अच्छे से शेड मिल जाए. तो अब इधर से ये है, तो इधर से ये देखिए इधर है एलोवेरा, क्लिटोरिया अच्छा कर रहा है. और बाकी क्या हुई है फ्रेंड्स, ये देखिए ये एमरेस लिली आए थे, चार आए एक्चुअली टोटल, इधर चार थे इधर चार थे, जो सूख चुके थे स्पेंट फ्लावर्स थे मैंने उनको निकाल दिया है. ये देखिए एमरेस लिली है, ये इनके दो ऐसे स्टॉक्स निकल के बहुत दिन हो गया था लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया. और ये रोज़ है, देसी रोज़ हमारा. इधर है दो रोज़, इधर है पेरीविंकल, इधर हमारा कड़ी पत्ता और पर्पल हार्ट, उसके अंदर ही एक मॉस रोज है. देखिए कितना प्यारा सा आया है, देखे बहुत अच्छा लगा. और इधर एलोवेरा भी अच्छा कर रहा है, इसके बेबीज को अभी प्रोपोगेट करना है, तो बहुत सारे आ रहे हैं इनके बेबीज. और देखिए फ्रेंड्स, मैंने हाइबिस्कस को प्रून कर दिया है क्योंकि अच्छी नई ग्रोथ आने के लिए. और ये नया वाला जैस्मिन जो मैंने रिपोर्ट किया था, और इसके अंदर नई पत्तियां आ रही हैं. इधर तो देखिए इनके अंदर फ्लावर्स अभी धीरे धीरे कम होंगे क्योंकि अभी धूप जैसे बढ़ेगी. और इधर देखिए सारे अच्छे कर रहे हैं. ब्रह्म कमल के अंदर नई नई पत्तियां आ चुकी है. और इधर नया सेटअप है, नया बोल के कुछ नहीं है, जो ये स्नेक प्लांट था मैंने उसको नीचे से ऐसे ऊपर ला दिया है. देखिए इनका अच्छे से एक कॉर्नर हो गया है स्नेक प्लांट का. और इधर बीच में ये वाले और बीच में पर्पल हार्ट, जो कि इनका कलर अच्छे से मर्ज कर रहा है एक दूसरे से. इधर हैंगिंग प्लांट्स है, इधर मनी प्लांट, और ये देखिए वंडरिंग जीव इधर है, एप्टीनिया. और ये भी मनी प्लांट बहुत अच्छा कर रहा है, इसको सोच रहा हूँ कि नीचे लेके जाऊँ क्योंकि स्टार्टिंग एंट्रेंस में बहुत अच्छा दिखेगा ये स्पाइडर प्लांट. ये देखिए फ्रेंड्स टच मी नॉट प्लांट, देखिए टच करते कैसे बंद हो जाते हैं, इनके साथ खेलने में मजा आता है. देखिए टच करते ही बंद हो जाते हैं. ये है जेट प्लांट, मैं बोनसाई बनाने की सोच रहा हूँ इसलिए मैं अभी इसको अच्छे से शेप में लाऊंगा. ये हमारे कोलियस सारे भी अच्छे कर रहे हैं, देखिए नए नए कलर्स आ रहे हैं इनके लीव्स के अंदर, क्योंकि जैसे हीट बढ़ रहा है फ्रेंड्स, जो हीट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस वजह से इनको वार्मनेस मिलने से अपने कलर्स को ज़्यादा खिल के अच्छे से खोल रहे हैं ये कलर्स. और स्पाइडर प्लांट के अंदर फ्लावर्स देखिए, इनके अंदर फ्लावर्स है. इधर सिंगोनियम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पाइडर प्लांट भी अभी ऐसे रूट से प्रोपोगेट होते जा रहे हैं नीचे से, क्योंकि इनका ग्रोइंग पीरियड है इनका. फिर स्नेक प्लांट, ये देखिए इधर भी स्पाइडर प्लांट है, इधर लेमन ग्रास है, ये वाला सूख रहा है फ्रेंड्स अभी, इसको रिकवर करना है. और ये इसको मैं अभी रिपोर्ट करूँगा क्योंकि पॉट बहुत छोटा है और ये अच्छे से बड़ा कर रहा है, लेकिन देखूंगा अगर इसको रिपोर्ट करना है तो करूंगा या फिर नहीं. और इधर देखिए डफिन भी क्या है, इसके बहुत अच्छे से नए पत्ते आ रहे हैं, इसको तो रिपोर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी बहुत छोटी बॉटल में लगा हुआ है, अच्छे से कर रहा है. इसको अच्छा सा नया पॉट में डालेंगे, सब बाकी के सब भी अच्छे कर रहे हैं. जो मैंने मॉस रोज लगाया था देखिए फाइनली उनके अंदर भी बर्ड्स आ चुके हैं. ये देखिए एक कल आके गया था, जो कि कटिंग्स बहुत अच्छे से लग चुकी है हमारी कटिंग्स. इधर एलोवेरा, इधर मैंने अजवाइन की नई कटिंग्स लगाई थी, जो हाइबिस्कस के मैंने ऊपर के काटे थे उनको प्रून किया था, उनके ऊपर की स्टंस ऐसे मैंने लगा दिए, देखेंगे आएंगे तो. और इधर रेन लिली, मॉस रोज. तो यही था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में अपडेट देना था, जो कि ये देखिए ये तो सबसे अच्छी बड़ी बात है क्योंकि ये अभी से स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर तक तो रहेंगे ये. तो अगर आपको इन फ्लावर्स देख के अच्छा लगा हो और इस वीडियो को देख के अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा.
तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।